ये लड़कियों की तरह तैयार होता है गाइस, एक एक घंटा लगा के। मैं इतना भाई भैया पीछे मेरे को ऐसे देख के गए, ऐसे पता नहीं मैंने उनका पजामा खींच के पहन लिया। टाटा भाई हो चुका फुल तगड़ा और गया बहुत बुरी तरीके से। भाई की सुबह अलार्म नहीं था, वो कॉल था। अरे सात बजे तो नहीं, 7 बजे से लेके 9 बजे तक सिर्फ कॉल थी। ये लड़कियों की तरह तैयार होता है गाइस, एक एक घंटा लगा के। मैं इतना 15 मिनट में तैयार हो गई। तो खुद बता दो ज्यादा अच्छा कौन लग रहा है, ये हमें कमेंट सेक्शन में। ओके मैं पता भी देगा कमेंट सेक्शन। ठीक है जरूर पढ़ूंगी। सो अभी हम जा रहे हैं, आज एक्चुअली इंस्टाग्राम का इवेंट जो इनवाइट किया गया है इंस्टाग्राम और मतलब क्रिएटर्स यूनाइटेड ग्लोबल स्टूडियो की तरफ से और बेटा और मैड इन्फ्लुएंसर की तरफ से इनवाइट आया हुआ है। सो तभी मैं आया था मुंबई, तो आया तो फिर मानसी रहते तो मतलब चलो फिर से मिल लेंगे, फिर मुंबई भी घुमा देंगे। तो अब इनकी ड्यूटी लगी हुई है मुझे मुंबई घुमाएंगे। तो आज पहले हमने पहले इवेंट अटेंड करना है। इवेंट अटेंड करने के बाद वहाँ पर कार्तिक भी आया हुआ है। ओके कार्तिक कौन सा वो मैं आपको उधर बता दूंगा। और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आए हुए हैं, लगभग 500 तक तो शायद आए हैं, पता नहीं कौन करना है कौन करना नहीं, वहाँ जाके देखेंगे। ओके सो गेट टुगेदर है इन्फ्लुएंसर का, सबसे मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। फिर उसके बाद आफ्टर पार्टी है, आफ्टर पार्टी भी इन्जॉय करेंगे। फिर उसके बाद फिर बहुत सारे प्लान्स हैं, वो आपको आगे आगे पता लग जाएंगे। अभी यहाँ से कम 1.5 घंटे का रास्ता है, सो फटाफट चलते हैं, लेट्स गो। और मेरा जॉर्ज का आउटफिट है वो मैं आपको बता दूँगा एग्जैक्टली है क्या। सो गाइस ये है मेरा आज का आउटफिट, सो समथिंग कोरियन स्टाइल। ओके सो कुछ डिफरेंट है बट अच्छा है बहुत ज़्यादा। और अब मैं जा रहा हूँ नीचे, एक्चुअली मैं रात को इधर ही रुकूंगा भोरे गाँव में, क्योंकि मैं दोबारा वहाँ पर जाके आने के मेरे में हिम्मत नहीं थी। ऑफकोर्स मुझे शाम बच जाएगा और मुझे फिर बीच के बाद शूट भी करना है, सब कुछ करना है। सो आई विल बी स्टे हियर, एयर रिज्यूम करूँगा। होटल बहुत ज़्यादा बेस्ट है, मुझे बहुत चीप रेट पर मिल गया था फ्रॉम अकोला। ये कोई प्रमोशन नहीं है पर मैं ही बता रहा हूँ, तो फटाफट चलता हूँ, बाकी सारे लोग बाहर वेट कर रहे हैं। कार्तिक ऑलरेडी पहुँच चुका है, सो लेट्स गो। हमारे वो खट्टे मीठे के प्रोड्यूसर Hi Smarty. भाई भैया पीछे मेरे को ऐसे देख के गए, ऐसे पता नहीं मैंने उनका पजामा खींच के पहन लिया। सीरियसली रिएक्शन तो ऐसे ही था, है ना भाई? अच्छा लग रहा है, मुझे पता है मैं अच्छा लग रहा हूँ, इसके मतलब नहीं कि आप ज़्यादा लग रहे हो भाई। सो गाइस फटाफट चलते हैं, अब अंदर क्या हो रहा है मैं दिखाता हूँ। और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, बहुत मज़ा आएगा मेरे वाले। आज अभी इकोनॉमी बनी नहीं, अभी बनना बाकी है। और जैसे आप बाहर के इन्फ्लुएंसर देखोगे, लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, लॉगन पॉल और KSI, उन्होंने अपनी प्राइम करके एक ब्रांड थी ड्रिंक की, और वो इस टाइम पे इतनी बड़ी ब्रांड बन चुकी है, वो दोनों इतने बड़े ब्रांड बन चुके हैं। अभी इंडिया में होना वो बाकी है एंड मेरे को लगता है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। Oh, 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 oh
क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो भाई? नहीं अंदर कुछ बोला था भाई, थक गए यार अंदर, थोड़ा बाहर घूमने आए भाई का ना टाटा भर हो चुका फुल तगड़ा, और बहुत बुरी तरीके से भाई की भाई सुबह सुबह ही आया फ्लाइट से और भूख लग रही है अभी तो, कुछ बाहर देख रहे हैं कुछ खाने के लिए मिल जाए, वैसे तो अंदर भी है पर भाई यार अंदर कुछ स्वाद नहीं है भाई, मेरे को टेस्ट ही करने दिया, मैं पहली बार आया मुंबई, मुझे कुछ टेस्ट तो करने दो यार। और अच्छा इवेंट बहुत ज़्यादा, जो स्टार प्लस का डायरेक्टर था उससे मिला मैं, मतलब खुद ही आके उसने बुलाया यार, यू हैव अ गुड पर्सनैलिटी, आउटफिट बहुत अच्छा लग रहा है, बोला थैंक यू सो मच जैन प्रभ स्टार प्रभ। और अच्छा था, अभी आपने देखा कृति जी आए थे और अच्छा था, उनकी कौन सी मूवी आने वाली क्रू, सो उनके प्रमोशन के लिए आए थे, और भी अंदर दोबारा जाता हूँ देखता हूँ और भी एक्सप्लोर करूँगा, भूख बहुत तेज लग रही है तो सोचा क्या था कि भाई बाहर एक बार बड़ा पाव खा के आता हूँ, मतलब अंदर खा लेते, कहते एक बार बस बाहर हवा लेके आते हैं, तो अभी अपने हवा ले लिया, अब हम दोबारा अंदर जा रहे हैं। और इवेंट बहुत प्यारा है, ओके मतलब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, बहुत सारे लोगों से मिल रहा हूँ, ओके और लोग भी पहचानते हैं भाई, मेरे को वैसे था नहीं, अरे सब पहचानते हैं, उम्मीद नहीं बट सही है, अच्छा है भाई, लोग भी आके मिल रहे थे, देखा होगा, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि यहाँ पे मुंबई में भी जानते हैं लोग, और गोरे और मैं शायद शाम को जाऊँगा वहाँ पर, क्या नाम है, मरीन ड्राइव, मरीन ड्राइव, यस, सो वहाँ पे देखते क्या करते हैं, लेट्स गो भाई। भूख लगने लग गई कुछ, थोड़ा पी लेते हैं भाई, कह रहे कि खाना बड़ा स्वाद है, तो अभी हम अंदर जाके कुछ खाना भी खाएंगे भाई। हमारी कार्तिक भाई क्या ले रहे हैं, डोसा लेते आते हुए, ब्रदर भाई कार्तिक कोई ना कोई इनको मिल ही जाता है। सुबह जस्ट अभी मैंने फिलिप्स का फिलिप ब्रांड को प्रमोट करा है, मतलब उन्हें खुद अप्रोच करा था, तो इट्स अ ग्रेट टू हमें फॉर मी, तो मैं रैप ऑर्डर करा और मैं रैप खाने लगा हूँ, ओके भाई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और जो मेरी फ्रेंड है मानसी, वो भी बाहर अपने किसी कहते हैं शो था, वहाँ पर बिजी है, तो लगभग 5 बजे मैं यहाँ से चल जाऊँगा, मैं रेड कार्पेट के लिए वेट नहीं करूँगा, तो वेट करते हैं और कार्तिक भाई आ गए। यार कार्तिक भाई आप कितने फेमस हो यार, हर कोई ना कोई आपको रोक ही लेता है, क्या मैं कह रहा हूँ कितने फेमस हो आप, कोई ना कोई रोक ही लेता है आपको यार, आपके इतना फेमस तो कोई यार, क्या बात कर रहे हो यार, ऐसे मत करो, खाना कहाँ है भाई आपका, उधर रखो ना बन रहा है। गाइस पेट पूरा हो गया, मज़ा आ गया खा के भाई, मज़ा आया, बहुत बढ़िया बहुत टेस्टी खाना, एकदम लाजवाब, क्या बात भाई, मेरे को तो सब्बे मिल गया, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। अब अंदर चलते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मानसी को भी मैं अंदर बुला लूँ, मैंने उनको बोला था कि ले लो वो क्या कहते हैं फैन बेस पे, पर सब लोग इकट्ठे ही बैठे हुए हैं, वैसे सब लोग इकट्ठे ही है भाई, कोई अलग है नहीं, ओके तो बट हुआ नहीं, पर खैर अब देखते हैं क्या होता है, सो फटाफट मैं जाके एक बार बात करता हूँ, ओके जिसने मुझे इनवाइट करा था डायरेक्ट, तो अगर वो फैन बेस भी चालू है तो मैं फिर उनको अंदर लेके आऊँ। मानसी की जो मम्मा है उनकी ना तबीयत ख़राब हो गई है, शुगर लगभग 650 टच हो चुका है, तो हमें दोबारा थाने जाना पड़ेगा, तो आज हम यहाँ पर नाइट स्टे नहीं कर पा रहे, गोरे का मनी ड्राइवर वो सब कुछ रह चुका है, बट उनकी मम्मा कॉन्टेंट है तो फिर हमें वापस जाना पड़ेगा, ओके घर। तो आज बहुत कुछ प्लान किया था पर नहीं हुआ, बट हम कल दोबारा आएंगे और कल हम दोबारा एक्सप्लोर करेंगे नवी मुंबई, मरीन ड्राइव आपका क्या कहते हैं क्या था वो, हाँ तो हर चीज़ कल हम दोबारा एक्सप्लोर करेंगे। और ये मेरा रूम था, यहाँ मैंने रहना था, मानसी का रूम आज ये था 508,
एंट्री नहीं करी तो फिर कार्ड लेने का फायदा नहीं था। भाई रूम बहुत सेक्सी था लेकिन कसम से हिमांशु और भाई से भी अच्छा रूम था फैंस की यहाँ पता पड़ा था उसका तो फ्रेंड था उसका मतलब बड़ा था है ना मेरा ए, मैं नहीं रहना था तो मैंने फिर इजीली अपने अकॉर्डिंग दिया। तो भाई चलते हैं लेट्स गो मिलते हैं कल।